वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, पहली बार कोई टीम 400 रन बनाकर हारी। पाकिस्तान सेमीफाइनल की ओर। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में इतिहास रच दिया। टीम ने टूर्नामेंट के 35वें मुकाबले में शनिवार को न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम से 21 रनों से हराया। वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में पहली बार कोई टीम 400 रन बनाने के बाद हारी है। मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 401 रन बनाए। रचिन रविंदर ने 108 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जवाब में बारिश के कारण दो बार रोका गया। पाकिस्तान ने खेल रोके जाने तक 25.3 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बना लिए थे। डकवर्थ लुईस नियम से पाकिस्तान की टीम 21 रनों से आगे थी, जिस वजह से उसे विजेता घोषित किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमों के 8-8 मैच के बाद 8-8 अंक हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट के कारण न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में 6 नंबर पर है। पाकिस्तान की जीत के हीरो फखर जमान रहे। वे 81 गेंदों पर 126 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 8 चौके और 11 छक्के लगाए। वहीं कप्तान बाबर आजम 63 गेंदों में 66 रन बनाकर नाबाद रहे, जिन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 141 गेंद में नाबाद 194 रनों की बड़ी साझेदारी की, यानी हर ओवर में 8 से अधिक रन बनाए। वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो इससे पहले 5 बार 400 से अधिक रन बने थे और हर बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली थी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अपने अंतिम मैच में 11 नवंबर को इंग्लैंड से भिड़ना है। वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी पारी में कभी भी 400 रन नहीं बने हैं। बाबर आजम की टीम को नेट रन रेट सुधारने के लिए ये मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अपने अंतिम मैच में 9 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी।